हेलो जी, आप ओमकार सतकरी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, ओमकार सतकरी बोल रहा हूँ। आप कौन? नमस्ते आंटी। आओ अंदर आओ। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। ये सुपरिंटेंडेंट साहिब आपको दे देना और ये आरएमओ साहब। ओमकार सतकरी को 22 साल की आदत थी। उनकी पत्नी प्रतिभा अपनी मुस्कुराहट के साथ उनके लिए दरवाजा खोलती, लेकिन 5 जनवरी 2015 की उस ठंडी शाम को ऐसा नहीं हुआ। प्रतिभा, प्रतिभा, आपकी पत्नी? रोज प्रतिभा दरवाजा खोलती थी। आज मैंने बहुत बेल बजाई पर नहीं खुला, तो मैंने अपनी चाबी से खोला दरवाजा। घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता? इनका कोई बेटा या बेटी? हाँ, एक बेटा है विनोद, जो गाजियाबाद में रहता है। बेटी कोई नहीं है। घर के पीछे दो कमरे हैं, एक खाली है और एक किराए पे दिया हुआ है। कौन रहता है वहाँ? दो लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, एक का नाम मयंक है और एक का सोहेल है। यहाँ मयंक और सोहेल रहते हैं और ये दूसरा कमरा। चेक करो। ओमकार जी, आपने अपने बेटे विनोद को इन्फॉर्म कर दिया? क्या पापा, क्या बोल रहे हैं? हम अभी निकल रहे हैं। क्या हुआ? पापा कह रहे हैं मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी को? मम्मी का मर्डर हो गया। प्रीति, इनकी मौत गला घोटने से हुई है। टाइम ऑफ डेथ? यहाँ आने से लगभग 5 घंटे पहले, मतलब तकरीबन 1:30 बजे। जी हाँ, लगभग 1:30 बजे के आसपास। और एक बात, इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ। जी हाँ सर, जो दो किराएदार हैं, महेंद्र सिंह और सोहेल कुरैशी, दोनों के लिए सर्च शुरू कर दिया गया। और दोनों के फोन नंबर्स? सर, महेंद्र का फोन स्विच ऑफ जा रहा है और सोहेल की रिंग जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहा। मेरा इन दोनों किराएदारों से बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम सीन को देखकर लगता है कि एक से ज़्यादा लोगों का काम है। सर, ओमकार सतकरी के डाइनिंग टेबल पे 2 ग्लासेस मिले। सर, दोनों ग्लासेस को फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। ओमकार सतकरी कुछ बोलने की हालत में आएंगे तो हमें मयंक सिंह और सोहेल कुरैशी के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाएगी, और ये भी पता चल पाएगा घर से क्या क्या चोरी हुआ है। लॉकर्स को पूरी तरह साफ कर दिया गया। सर, लेट्स होप कि ओमकार सतकरी हमसे जल्द से जल्द डिटेल शेयर करें, वरना पता नहीं तब तक ये दोनों कहाँ फरार हो जाएंगे। पुलिस क्यों आई है? पता नहीं यार, वो होगा कुछ। सर, सोहेल कुरैशी। सोहेल, आप कौन बोल रहे हैं? सोहेल, 4-5 बार फोन किया तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई कॉलेज में था। आप कौन बोल रहे हैं? मनेर नगर पुलिस थाने से पीएसआई मेहरा बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? और तुम्हारा वो रूममेट मयंक सिंह, वो कहाँ है? सर, हम अभी अभी घर पे पहुँचे। किसके घर? हमारे घर सर, हम यहाँ मनेर नगर में किराए पे रहते हैं, ओमकार सतकरी जी की कोठी पे। सर, पर बात क्या है? सोहेल, प्रतिभा आंटी का मर्डर हो गया। पुलिस का फोन था, पूछ रहे थे सुबह से हम दोनों कहाँ थे। तेरे बारे में भी पूछ रहे थे, सुबह से तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों है? मैंने बोल दिया तेरी बैटरी खत्म हो गई थी। क्राइम सीन पर मिले सुराग इस रेप, मर्डर और चोरी के केस में 2 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस को ओमकार सतकरी के किराएदार मयंक सिंह और सोहेल कुरैशी पर शक था, लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि उस दोपहर ओमकार सतकरी की कोठी पर 2 और आदमी आए थे। पापा, मम्मी, हो गया बेटा। कैसे हो गया? सर मेरे फ़ोन की बैटरी वाकई ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सर हम यहाँ 1 साल से रहते हैं। सोहेल, मयंक, तुम लोगों का कहना है कि कल दोपहर को यहाँ पर 2 लोग आए थे। हाँ, कौन थे वो 2 लोग? सर वो लोग कौन थे ये तो हमें नहीं मालूम। नमस्ते आंटी। ओमकार जी के घर में जब वो 2 लोग आए थे उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? यहीं थे सर, इसी कमरे में। जी, तो ओमकार जी के घर में बाहर वाले गेट से कौन आया ये तुम लोगों ने इस कमरे से कैसे देख लिया? सर आंटी उन्हें यहाँ कंपाउंड में लेकर आई थी वो बाहर वाला कमरा दिखाने के लिए। इस कमरे में 2 और कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं। पिछले 1 साल से वो दोनों हमारे साथ ही रह रहे हैं। ये आ गया तुम्हारा कमरा। इस कमरे का टॉयलेट और बाथरूम कमरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। तुम चाहो तो खाना और नाश्ता हमारे साथ ही कर सकते हो। वो दोनों बच्चे हमारे साथ ही खाते हैं। ये कमरा 1 साल से खाली पड़ा हुआ है? जी सर। वो 2 लोग कौन थे? तुम लोगों ने चेहरा देखा था? नहीं सर, हम लोग तो रूम के अंदर थे ना। सर पर ओमकार अंकल और आंटी जी ने हमें कहा था कि अगर और कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो तो हमें बताना। हाँ सर, और ये बात हमने कॉलेज में बोल के भी रखी थी। कॉलेज के लिए कितने बजे निकले तुम लोग? सर रोज़ की तरह 1 बजे। जिस वक्त तुम लोग कॉलेज के लिए निकले उस वक्त वो दोनों ओमकार जी के घर पे थे? अब सर आंटी जी ने अंदर लेकर तो गई थी लेकिन हमारे आने जाने का रास्ता ये है और हमारी बाइक आगे खड़ी रहती है। अगर वो घर के अंदर है भी तो हमें मालूम नहीं पड़ता। तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों सर, हमने क्या किया है सर? प्रतिभा सतकरी के अलावा उन दोनों को सिर्फ तुम दोनों ने देखा था, इसलिए जो भी देखा जितना देखा था पुलिस स्टेशन आकर हुलिया बयान करना होगा। सर हमने कहा ना, हमने उन्हें ठीक से देखा ही नहीं। हाँ सर, हम तो अंदर पढ़ाई कर रहे थे। मयंक और सोहेल, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम लोगों ने हमसे कुछ छुपाया है या तुम दोनों की इसमें किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट थी तो तुम दोनों को उल्टा लटका कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। पापा बात करने की हालत में कैसे होंगे सर? मम्मी और पापा काफ़ी क्लोज थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और अब ये। मैं समझ सकता हूँ विनोद, लेकिन हमें अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाना है, इसलिए आप लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपकी मम्मी का ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि उनके साथ। मयंक और सोहेल ने हमें बताया है कि कोई आपके घर में किराए के लिए कमरा देखने आने वाला था। आपकी मम्मी ने उसे कमरा दिखाया होगा, उसके बाद शायद वो लोग इस घर में आए होंगे और ये सब हुआ होगा। अब मयंक और सोहेल कितना झूठ बोल रहे हैं कितना सच ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि आपकी मम्मी के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। पापा, पापा प्लीज याद कीजिए, उस दिन कोई आपसे मिलने आने वाला था, कोई कमरा देखने आने वाला हो, किसी का फोन वोन आया था उस दिन, प्लीज याद कीजिए। सर मैं तो गाजियाबाद रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। किसको किराए पे रखना है किसको नहीं रखना ये सब पापा ही तय करते हैं और कभी भी कोई किराएदार मुझे फ़ोन नहीं किया करता था। आप लोगों को कुछ आइडिया है कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सर पापा जी बता रहे थे 10 लाख रुपए कैश रखे हुए थे तिजोरी में, और मुझे पता था सर, मम्मी जी सारे जेवर तिजोरी में ही रखती थी। जेवर तकरीबन कितने के थे? कम से कम नहीं तो 7-8 लाख रुपए के जेवर होंगे सर। मुझे ओंकार जी से जल्द बात करनी है। जैसे ही वो बात करने की हालत में आए प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए। सर, मयंक और सोहेल के पीछे दो कांस्टेबल्स लगा दिए। सोहेल और मयंक के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और साथ में ओमकार, विनोद, उसकी पत्नी प्रीति और विक्टिम प्रतिभा के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। सर, और एक बात, घर के अंदर 10 लाख कैश थे और ये बात शायद चोर को पता थी। मेरा या तो ये जुर्म चोरी करने के इरादे से हुआ है या फिर असली जुर्म को छुपाने के लिए चोरी की गई है। वजह जो भी हो, लेकिन इस केस में एक बहुत ही घिनौनी हरकत हुई एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ। अभी तक हमें वही दिख रहा है जो हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें देखना वो है जो हमसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। सर, आपको लगता है किसी अंदर वाले का हाथ है? मेरा कोई अंदर वाला तभी जुर्म करता है जब वो खुद को बाहर वाला समझने लगता है। कोई ऐसा क्यों करेगा या करवाएगा पापा? सिर्फ चोरी या मर्डर नहीं, उन्होंने प्रतिभा आंटी के साथ ऐसा गंदा काम। पता नहीं बेटा, भाई ओमकार को जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। कभी सोचा भी नहीं होगा उसने कि ऐसा भी कुछ होगा। पापा, मैं तो अंकल आंटी से आजकल में मिलने जाने वाला था, लेकिन फिर जब आपका फ़ोन आया तो मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। वैसे विनोद भैया ने कुछ बोला? बस इतना ही कि कोई दो लोग कमरा देखने आए थे, पता नहीं कौन थे वे दोनों। नहीं पापा, हमें नहीं पता कौन थे वो दोनों। हम तो आज सुबह ही गाजियाबाद से यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस को यहाँ पे रहने वाले दो किराएदारों पर शक हो रहा है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों आज ही जोधपुर आ रहे हैं। अब तुम्हारे ससुर से मिलना एक बार तो बनता ही है ना बेटा। इतना सब हो गया, आप आएंगे तो अच्छा ही होगा। वैसे भी मेरे पापा जी की हालत बहुत खराब है। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है पापा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। और शरद कहाँ है? वो भी आ रहा है ना आपके साथ? शरद नहीं आ रहा है। संभाल के जाना। एक बहुत ही सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया था। प्रतिभा सतकरी के कातिल उस घर से लूट का पैसा और जेवर लिए अपने प्लान की अगली चाल चलने जा रहे थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या ये दोनों ही इस जुर्म के मेन कर्ता धर्ता थे या फिर ये सिर्फ मोहरे थे किसी मास्टरमाइंड के। पीड़ित प्रतिभा सतकरी के अलावा इन दोनों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन क्या कोई ऐसा था जिससे भनक थी कि ये दोनों दरअसल हैं कौन? और बता। हाँ तुम्हारे बैठ भाई, एक चाय देना। हाँ जल्दी कर। और जल्दी बता क्या क्या पता चला है। वो दोनों छोड़े हैं ना, सोहेल और मयंक और वो सतकरी परिवार, सबकी पूरी डिटेल निकाली है। सर, विनोद और प्रीति के फ़ोन रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं और मयंक और सोहेल के फ़ोन रिकॉर्ड में शक करने जैसा कुछ नहीं है। तो क्या ओमकार और विक्टिम प्रतिभा के फ़ोन रिकॉर्ड्स में कुछ काला है? प्रतिभा जी के तो नहीं, हाँ ओमकार के फ़ोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर है। कौन सा नंबर? सर, 4 जनवरी को ओमकार के फ़ोन पर एक कॉल आया था। उस नंबर से ओमकार को ना पहले कभी कॉल किया गया है और ना ही उसके बाद। हेलो, हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, किसी मार्केटिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी से किया गया हो सकता है सर। लेकिन आज सुबह से 4 बारी ट्राई कर चुका हूँ और हर बार ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। मार्क करके रखो और ट्राई करते रहो। इस सोहेल और मयंक की कोई खबर? सर, गोविंद खबरी और उसका असिस्टेंट तोमर दोनों ने अच्छी खासी छानबीन की है। साहब, दोनों चोरे अपने अलवर के हैं ना, वहाँ को मिर्च मसाला मिला दोनों का और नया जोधपुर में। ओमकार का बेटा विनोद, इसकी क्या हिस्ट्री है? वो तो एक लौता है साहब, काफी गरीब था अपने माँ बाप से। बस ये समझ लो कि वो भी एकदम दूध का दूल्हा है। सभी दूध के दूल्हे हैं गोविंद, तो खून का रंगा कौन है? प्रीति? उस एंगल में खुदाई चल रही है साहब। इतना पता चला है कि शादी के 2 साल बाद तक विनोद और प्रीति यहीं इसी घर में रहते थे। उसके बाद वो दोनों गाजियाबाद चले गए। विनोद को नौकरी लगी थी वहाँ पर। और डिटेल्स निकलवाओ। एक काम करो, अपनी टीम में से किसी लड़की को मनेर नगर की औरतों में मिक्स कर दो। एक और बात साहब, इस ओमकार का भाई है लक्ष्मण सतकरी, उसका बेटा है अभय, रहते हैं बाड़मेर में, लेकिन 5 जनवरी को अभय यहाँ जोधपुर आया था। क्यों? कोई बैंक का एग्जाम देने। ये जोधपुर में कहाँ रुका था? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ ओमकार सतकरी के घर में नहीं रुका था। तो ये अभय इस सब कहाँ? जोधपुर में ही है सर, कल ओमकार के घर भी आया था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया भाई साहब। विनोद भैया, ये जो 2 किराएदार हैं आपके, पुलिस ने इनकी चेकिंग की ठीक से? हाँ भाई, देखने में तो शरीफ लड़के लगते हैं, लेकिन किसी की शक्ल पे क्या है और अकल पे क्या, कौन जान सकता है। सही बात है, आज के टाइम में किसी पे ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते ना। जुर्म होने के बाद मिलने आया, लेकिन जोधपुर में एग्जाम देने आया था तो अपने अंकल के घर क्यों नहीं ठहरा? ये तो उससे पूछना है सर। और एक बात, क्या 2 जनवरी को अभय ने ओमकार को फ़ोन किया बाड़मेर से, जहाँ वो और लक्ष्मण रहते हैं, लेकिन जब वो जोधपुर आया एग्जाम के लिए तो उसने कोई कॉल नहीं किया। और हो सकता है कि 5 जनवरी की दोपहर को वो उनसे बिना फ़ोन किए मिलने आया, अपने किसी साथी के साथ। हाँ, मैंने फ़ोन किया था ओमकार अंकल को बाड़मेर से। किस सिलसिले में? यही बताने के लिए कि मैं जोधपुर आ रहा हूँ, मेरा बैंक का एग्जाम है। आपने ये फ़ोन 2 जनवरी को किया था? हाँ शायद, पर डेट याद नहीं है ठीक से। पर हमें याद है, फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं आपके हमारे पास। पायलागू ओमकार अंकल, कैसे हैं आप? हाँ हाँ अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसे हो? और लक्ष्मण भाई कैसे हैं? वो अच्छे अंकल, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं 5 जनवरी को जोधपुर आ रहा हूँ, 7 तारीख को मेरा बैंक का एग्ज़ाम है। अरे वाह, ज़रूर आना बेटा, और बस स्टैंड से सीधा हमारे घर ही आना, कहीं और नहीं जाना, ठीक है? आंटी को भी अच्छा लगेगा। तो 5 जनवरी को दोपहर को जोधपुर पहुंचने के बाद आप सीधे अपने अंकल ओमकार के घर गए? नहीं सर, मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। कौन दोस्त? विश्वास शर्मा, वो मेरा फ्रेंड है, यही रहता है जोधपुर में। तो जोधपुर में जब आप अपने दोस्त के घर जाने वाले थे तो आपने अपने अंकल को फ़ोन करके ये क्यों बताया कि आप जोधपुर आने वाले हो? नहीं सर, मैंने उन्हें ये कहने के लिए फ़ोन नहीं किया था कि मैं उनके घर रहने आ रहा हूँ, मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि वो दोनों जोधपुर में ही थे या कहीं बाहर जाने का प्लान था, ताकि टाइम निकालकर मैं उनसे एक बार मिला हूँ बस। और 5 जनवरी की दोपहर को आप टाइम निकालकर अपने दोस्त के साथ उनसे मिलने गए? नहीं सर, मैं उस दिन विश्वास के घर पर ही था। विश्वास का नंबर लिखो। सर मैं श्योर नहीं हूँ। सर ठीक से ध्यान नहीं दिया था उन पर। यस सर, मैं विश्वास शर्मा बोल रहा हूँ। अभय सतकरी को कैसे जानते हो? मेरा फ्रेंड है वो सर। 5 जनवरी को तुम और अभय कहाँ थे? 5 जनवरी को तो हम लोग यहीं थे, मतलब मेरे घर पे। क्या कर रहे थे पूरा दिन घर पे? एक्चुअली 7 को ना हमारे एक बैंक का एग्ज़ाम था, तो उसी की तैयारी। अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना विश्वास। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, जो सच है वही बता रहा हूँ। प्रतिभा सतकरी के फिंगरप्रिंट्स के अलावा दोनों ग्लासेस पर 2 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये मेल फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर आप चाहें तो हम सारे सस्पेक्ट्स के साथ ये मैच कर सकते हैं। प्लीज़ तुरंत कीजिए, क्योंकि लगभग इतना तो पक्का है कि 2 लोग थे। गुजरात। हो गया सर, हम लोग ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी ठंड में पसीने क्यों आ रहे? सर आप ये सब करा रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। मुजरिम तक पहुंचने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर वो आंटी थी मेरी। सर हमने कब कहा तुम्हारी आंटी नहीं थी? माँ समान थी मेरी। सर आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अबे सारे प्रोसीजर को पर्सनली मत लो। तुम्हारी माँ समान आंटी के गुनहगारों को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। ज्वेलरी की दुकानों से क्या रिपोर्ट है? सर खबरी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली। खेल बहुत संभल संभल कर खेला जा रहा है महाराज। मुजरिम इस गलत फहमी में है कि टाइम लेने से शायद वो बच जाएंगे। सर उनके टाइम का काउंटडाउन कल शुरू हो जाएगा। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ओमकार सतकरी को अब तो बोलने की हालत में आना चाहिए। वक्त निकला जा रहा है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। सर ओमकार को कल सुबह यहीं बुलाते हैं। यही सही रहेगा, क्योंकि घर में पूछताछ करने जाएंगे तो उस दुख भरे माहौल में फिर से मायूस हो जाएंगे। सर क्या पता घर में मायूसी का माहौल पहले से ही हो। पापा मुझे कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। आज रात की ट्रेन से जा रहा हूं। प्रीति यहीं आपके पास ही रहेगी। हॉस्पिटल में बात हुई थी मेरी, मैंने उनको कह दिया कि आप एक हफ्ते बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। वो लोग मान गए। और पापा वो पुलिस स्टेशन से भी फोन आया था, कह रहे हैं कि वो आपको पुलिस स्टेशन में बुलाकर कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कोई भी लिए गए फिंगरप्रिंट्स ग्लास के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं करते। ना अभय, ना विश्वास, ना मयंक और ना सोहेल। तो अभी के लिए हमें इन चार सस्पेक्ट्स को रूल आउट करना होगा। थैंक यू। मेहरा, मयंक और सुहेल ने हमें जो थ्योरी बताई कि उन्होंने प्रतिभा जी के साथ दो लोगों को देखा था, पर वो दो लोग कौन थे ये वो ठीक से नहीं देख पाए। अभी के लिए यही थ्योरी हमारी प्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्योरी होगी। मतलब वो दो लोग जो ओमकार और प्रतिभा के किराएदार बनने आए थे, उन्होंने प्रतिभा का खून किया। अब ये तो ओमकार सतकरी हमें बता पाएंगे कि 5 जनवरी को उनके घर पर कौन से किराएदार आने वाले थे। एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बाद हत्या और उसके बाद घर को भी लूटा गया था। कौन थे हत्यारे? क्या इस जुर्म का मकसद सिर्फ पैसे और जेवर लूटना था, या फिर इस केस की गहराई में कोई छुपी हुई सतह थी? आखिरकार पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला, और यह किसी खबरी या किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बल्कि एक भूले बिसरे फोन कॉल याद आने के कारण हुआ। नहीं याद आ रहा है, मतलब कुछ खास याद नहीं आ रहा है। वो किराएदार कुछ पता नहीं। सर इसमें एक बात अजीब है, वो जो भी थे उन्होंने पहले पापा जी को फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं किया कि वो रूम देखने आ रहे हैं। नॉर्मली जो भी घर आता है पहले पापा जी को इन्फॉर्म कर देते हैं वो। हमें भी यही लग रहा है कि वो जो भी थे पहचान वाले थे, इसलिए प्रतिभा जी ने ना सिर्फ उन्हें बाहर वाला कमरा दिखाया बल्कि घर के अंदर बुलाकर उन्हें पानी वानी पिलाया। किसी ने देखा था उन्हें? जी देखा था, लेकिन ठीक से नहीं देख पाया। आपके मौजूदा किराएदार मयंक और सुहेल का कहना है कि उन्होंने प्रतिभा जी को 1:15 के करीब 2 लोगों के साथ आपके घर के कंपाउंड में देखा था। उसके बाद 1 बजे वो लोग कॉलेज के लिए निकल गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से प्रतिभा जी का कत्ल 1:30 बजे के करीब हुआ था, तो शायद 1 से 1:30 के बीच में ये दोनों लोग आपके घर के अंदर मौजूद थे। और सब ठीक है ना घर पे? एक फोन आया था। किसका फोन आया था पापा जी? हेलो जी, आप ओमकार सतकरी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, ओमकार सतकरी बोल रहा हूँ। आप कौन? तुषार नाम था उसका। कब की बात है ये? यही कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर की ही बात है। मेरा नाम तुषार है ओमकार जी। हमने सुना है आपको कोई कमरा किराए पर देना है, क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, कभी भी देख सकते हो। कब आओगे देखने? वो मैं आपको आजकल में फ़ोन करके बता दूँगा। ठीक है ठीक है। ओमकार जी, आप किसी तुषार को जानते हैं? नहीं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं उसे कहाँ से मेरा नंबर मिल गया। जाहिर सी बात है, किसी जान पहचान वाले ने पहले उस तुषार को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आप कमरा किराए पर देना चाहते हैं, फिर उसी जान पहचान वाले ने उस तुषार को आपका नंबर दिया होगा। मैं और प्रतिभा कमरा किराए पर लगाना चाहते थे, खाली नहीं छोड़ना चाहते थे उसे। ओमकार जी, ये फ़ोन आपको जनवरी में आया था, ये पक्की तरह याद आपको? हाँ। 5 जनवरी के पहले? हाँ, क्योंकि 5 जनवरी के बाद मैं ऑफिस गया ही नहीं। ओमकार जी, ये देखिए, 1 से 5 जनवरी के बीच आपको जितने भी कॉल्स आए थे, उसमें से सिर्फ ये एक नंबर ऐसा है जिससे आपको सिर्फ एक ही बार कॉल आया था। ये नंबर हम कई बार ही ट्राई कर चुके हैं, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। किसका नंबर है वो भी हम पता लगाएंगे। वैसे 1 से 5 जनवरी के बीच आपको जितने भी कॉल्स आए थे, उसमें से कोई तुषार नहीं है। हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, किसी मार्केटिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी से किया गया। मुझे ये नंबर याद नहीं है, लेकिन इतना याद है मैं ऑफिस में था। ओमकार जी, ये कॉल आपको 4 जनवरी को आया था, लगभग 3:45 बजे। फिर तो पक्का मैं ऑफिस में ही था। इस नंबर को ट्रैकिंग पे डालो, शायद यही नंबर हमारा पहला लीड होगा। यस सर। सर, क्या अब हम घर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी। प्रीति जी। जी। एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी। प्रीति जी, आपकी सास कैसी औरत थी? कैसा सवाल है ये सर? मेरा मतलब है, कोई ऐसा था जो उन्हें नापसंद करता था? मेरी सास एक बहुत नेक औरत थी, थोड़ी उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा उनका। पर अब ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि हमें लगता है चोरी सिर्फ एक बहाना था, चोर का असली मकसद मर्डर ही था। मर्डर? लेकिन मर्डर कोई क्यों करेगा? चोरी और मर्डर के अलावा मेरी प्रतिभा के साथ। ओमकार जी, शांत हो जाइए। ये सब पूछने के पीछे मेरा सिर्फ ये मकसद है कि क्या कोई ऐसा पहलू तो नहीं जिससे हम नावाकिफ हों, पर आप जानते हो और भूल गए हों? जैसे तुषार के फ़ोन कॉल वाली बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, 4445678875 ये नंबर 4 जनवरी से स्विच ऑफ है। किसका नंबर है? किसी हरीश मकवाना के नाम पर रजिस्टर्ड है, जोधपुर का एड्रेस है। हरीश मकवाना जी। सुना रूम किराए पे लेना चाहते हो? क्या बात कर रहे हो सर, हमारा तो खुद का घर है। हमारे पास इससे भी अच्छा और बड़ा घर है हरीश मकवाना जी, सॉरी तुषार जी, जिसे हम लॉकअप कहते हैं। साहब बैठिए बैठिए हरीश मकवाना और तुषार जी, ये है हमारा बड़ा घर, स्वागत है आपका। साहब वो नंबर में रही था साहब, मैं किसी ओमकार सतकरी को फ़ोन ही नहीं किया साहब, मैं किसी तुषार को भी नहीं जानता साहब। वो नंबर मेरे टैक्सी के लिए इस्तेमाल करता था साहब, मेरे स्टिकर भी था साहब उसमें। बिल्कुल था, जो तुमने उखाड़ कर फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा स्टिकर लगा दिया, और 4 जनवरी को ओमकार सतकरी को फ़ोन करने के बाद तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। हाँ साहब मैंने फ़ोन बंद करा दिया था साहब, स्टिकर भी निकाल दिया था। सच बोल रहा हूँ साहब, सौगंध खा रहा हूँ साहब। आधा सच, पूरा सच बोल। कौन सा पूरा सच साहब, मैं सही बोल रहा हूँ साहब। 10 लाख कैश और वो ज्वेलरी जो प्रतिभा सत्कारी का खून करने के बाद तुमने उनके घर से चुराई। हाँ नहीं नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, प्रतिभा सत्कारी को तो मैं जानता भी नहीं साहब। साहब मैं सही बात हूँ साहब। तेरी शराफत का सर्टिफिकेट तो हमें प्रतिभा सत्कारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही मिल गया था। तुमने ना सिर्फ उनका कत्ल किया, ना सिर्फ उनके घर में चोरी की, बल्कि भी किया एक 51 साल की औरत के साथ। साहब मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया साहब, मैं तो प्रतिभा सत्कारी को जानता भी नहीं साहब। और हमारा दूसरा साथी कौन था, नंबर बोलो उसका, कहाँ रहता है वो? कोई नहीं साहब, मेरा कोई साथीदारी नहीं है साहब। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं। तुमने अगर कुछ नहीं किया तो 4 जनवरी को मोबाइल कंपनी में फोन करके तुमने अपना फोन बंद क्यों करवाया? अरे साहब मैं डर गया था साहब कि उन दोनों ने मेरे फोन का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर दिया। इस वक्त गलत इस्तेमाल तू कर रहा है अपनी इस बुद्धि का, हमें ये झूठी कहानियां सुनाकर। नहीं साहब सच बोल रहा हूँ साहब, जो हुआ वही बोल रहा हूँ साहब, एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। वो लोग तो मेरी टैक्सी चुराने वाले थे साहब। साहब मेरे टैक्सी और मेरा मोबाइल वापस मिल गया था सर, मैंने तुरंत ना अपना नंबर कैंसिल करा दिया सर। मैं डर गया था कि मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने कहीं गलत फ़ोन किए होंगे साहब। कौन थे वो दोनों, कौन थे वो चोर? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं जानता ही नहीं, मैंने तो उनको घंटा घर से उठाया था साहब। तो तेरी कहानी में घंटा घर भी है, फिर तो घंटे की आवाज़ भी होगी जो तुमने सुनी होगी, टन टन। कितने बजे थे उस वक्त? कायरानाशील चलोगे? हाँ जी, चलने के लिए तो गाड़ी चलाते हैं। बैठिए साहब, वो 2 लोग थे। मैं तो सर पूरी ईमानदारी से उन दोनों को कायरानाशील ले जा रहा था साहब, रास्ते में पहुंचने से पहले उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया साहब। पर तू अपना असली रंग कब दिखाएगा, सच कब बोलेगा? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, उन दोनों ने मेरे पूरे पैसे लूट लिए साहब। मेरा तो मनहूस दिन था साहब जो उन दोनों को मैंने टैक्सी में बैठाया, और अब देखिए साहब मैं यहाँ बैठा हूँ। तेरा नसीब अच्छा है जो अभी तक बैठा हुआ है, वरना ये जो बल्ब लटका हुआ ना, इसकी जगह तू लटका होता। डोंट वरी, इस बड़े घर में लाए हैं तो तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे। पहले अपनी कहानी पूरी करो फिर। जो कहानी टैक्सी ड्राइवर हरीश मकवाना पुलिस को सुना रहा था, क्या वो सिर्फ कहानी थी या फिर हकीकत? वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने हरीश की टैक्सी ली थी? क्या उनका ओमकार सतकरी और प्रतिभा सतकरी से कोई लेना देना था? क्या यह केस वाकई में सिर्फ चोरी, मर्डर और रेप का केस था, या फिर इस केस का कोई चौंकाने वाला पहलू भी था? कहाँ हो तुम शरद? मैं यही हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कुछ पता चला अभी तक? नहीं, कुछ पता नहीं चला है। इस जुर्म का मकसद क्या था? फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।